नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंपनीज में शानदार तरीके से ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और जिस मतलब रेंज का मैं इंतजार कर रहा था, जिस लेवल को टच करने के बाद मैं एंट्री लेने वाला था, वो फाइनली मुझे वो लेवल मिल चुके हैं। और किस तरीके से मैंने उसको फाइंड आउट किया, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ऊपर मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि बहुत लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक मुझे पैटर्न्स दिखे। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से, एक लंबा सा कप दिखे, उसके बाद छोटा सा हैंडल पैटर्न, मतलब कप बने उसके बाद हैंडल बने, फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद कंपनी के ऊपर, एक बार मैं आपको बताया था कि कंपनी जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करते हैं, तो एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा जिस लेवल में ब्रेकआउट हुआ था। और फाइनली रिटेस्ट किया और देखिए एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कोई भी स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल में अगर हैमर जैसे कैंडल क्रिएट हुआ तो सोचना यहाँ से जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर जर्नी हो और अप टेन तक जर्नी रहे तो कितना लेवल तक जाने का चांसेस है, जो मैं लेवल लेकर चला हूँ वो 3720 रुपीज़ के आसपास। अभी इस लेवल मुझे कहाँ से मिला, वो लेवल मुझे मिला एक्चुअली इस कप से, तो सॉरी इस हेड से। तो यहाँ पे जो हेड बना था, जो सॉरी यहाँ पे जो कप बना था, इस कप का जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ को मैंने टारगेट के बेसिस में देखा। और तो इस हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। और दूसरी बात, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं FMCG एक ऐसी कंपनी है, FMCG का सबसे टॉप लीडिंग कंपनी है। क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो FMCG में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो उस कैटेगरीज वाइज कंपनी पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, और पर्सनल केयर मतलब FMCG सेगमेंट में कंपनी बिलोंग करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं FMCG पर्सनल केयर में हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया का नंबर वन कंपनी है। और इसी कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ, और भी कुछ रीज़न है जो रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए पूरा का पूरा सेक्टर में पी रेशियो 70 के ऊपर है, सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशियो 65 है। मतलब वैल्यूशन तो चलो ठीक है, आप कहेंगे सर 65 तो बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं जिसका पी रेशियो कभी भी कम नहीं होता। अगर मैं इसका एवरेज पी रेशियो देखूँ तो देखिए यही इसका लो पी रेशियो है, क्योंकि एक टाइम इसका पी रेशियो चला था 79 के आसपास। तो इतना हाई पी रेशियो चलने के कारण कंपनी का शेयर में करेक्शन हुआ, और उसके बाद देखिए फिर से कंपनी रिकवरी कर दिया। तो मैं बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर, मैं कंटिन्यू करूंगा इस हाई पीक लेवल तक, जो लेवल मुझे लिखने को मिला 3727 के आसपास। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखकर आप ब्लाइंडली बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करने से पहले आपको दो चीज़ों को याद रखना है, कि आपको उस कंपनी के ऊपर कितना रिस्क लेना है, दूसरी बात उस कंपनी के ऊपर आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आपने कितना रिसर्च किया। तो प्लीज़ आपके खुद के ओन रिसर्च करने के बाद ही आप काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है एंजल वन। मुझे एक दोस्तों ने पिछले दिनों में कमेंट्स किया था, सर एंजल वन के ऊपर आपने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाया वो तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न पिछले दिनों का था। हाँ मैं कुछ वीडियोस पहले भी आपको मतलब टाइम नहीं होता है तो इसलिए मैं पहले वीडियो बना बनाकर आपको शेयर करता हूँ। इसलिए आपको ये सोचना नहीं है कि एक दिन का पहले वीडियो है, मार्केट रनिंग में वीडियो है, कुछ वीडियोज़ में मार्केट ओपन होने के बाद ही बनाता हूँ, तो आप जब क्लोजिंग प्राइस देखेंगे शायद वीडियो से वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे ट्रेडिंग वाला बात तो नहीं कर रहा हूँ कि आज के दिन का ही वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरा स्ट्रैटेजीज हमेशा एज ए स्विंग बेसिस में होते हैं। तो मुझे व्यू ये रखना है कि किस तरीके से कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ जो 35% के आसपास है, तो यहाँ पे मैं पहले से आपको वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ कि जब इस लेवल को टच करे, देखिए मैं लेवल में आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको बैक टेस्टिंग करने का मौका मिले, क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज पहले बना था, क्या उस टाइम में कंपनी के ऊपर टारगेट हुआ था, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही में ठीक ठाक हुआ तो उस कंपनी के ऊपर आपको बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक रेंज मिला था, जो रेंज निकल कर रहा था करीबन करीबन 20%, तो ओवरऑल 20 से 21%। तो देखिए कितने दिनों के बाद एंट्री मिला, यहाँ पे रेंज बना था और फाइनल देखिए यहाँ पे एंट्री बने और फटाफट टारगेट बने, तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर टारगेट मिला, वो भी 21%। तो ये रूल्स है, इस रूल्स को आपको हमेशा याद रखना है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर इतने दिनों पहले तो एंटी मतलब रेंज बना था और इतने दिनों के बाद वो एंटी हुआ, क्या इस तरीके से एंटी में आप काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे एक बार
अगर स्ट्रेटजीज मिले तो मैं उसको छोड़ता नहीं, अगर कंपनी में दम है तो कंपनी के ऊपर स्ट्रेटजीज मिल चुके हैं, टारगेट हो चुके हैं, तो मैं स्ट्रेटजीज को अभी भूल जाऊंगा, मुझे दूसरा स्ट्रेटजी चाहिए, मुझे दूसरा स्ट्रेटजीज भी मिल चुके हैं। तो इससे पहले मैंने इस 2180 रुपीज़ के आसपास मैंने एंट्री लिया और उसके अगेंस्ट में मैं टारगेट लेकर चलूंगा कुछ इस पिक लेवल तक, जो 3900 के आसपास इसका लेवल बना है। तो एंटी लेवल से टारगेट तक देखो तो बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट लेवल यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इस हाई लेवल तक इंतजार करूंगा जो मुझे टारगेट देने वाला है 80% के आसपास। तो इतना जल्द से जल्द टारगेट मुझे मिलने का चांसेस नहीं होगा, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, कंपनी बेस्ट है, तो इसके लिए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को आपको याद रखना है। एंजल वन के ऊपर अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कैश जो टर्नओवर है उनमें से ऑल ओवर जितनी सारे स्टॉक ब्रोकिंग है उनमें से 60% मार्केट शेयर इसके ऊपर है। तो कमोडिटी जो टर्नओवर है कमोडिटी के ऊपर 57% मार्केट शेयर कंपनी का मतलब लेकर चला है। इक्विटी रिटेल जो टर्नओवर है उसके ऊपर 18-19% एंड FNO के ऊपर 20% और बाकी कंपनी के नंबर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर 15%। लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर इतने सारे टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बढ़ गया, तो लोग क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं FNO में? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, आप जाकर वॉल्यूम देखिए, देखकर आप चौंक जाओगे। देखिए चार्जेस मैटर नहीं करता कि कितना चार्जेस कट आउट होगा, लोगों के मन में यही हमेशा चीज घूमता रहता है FNO के ऊपर कि 100 रुपीज लगाऊंगा 200 बन जाएगा। तो ये जो दिमाग में घुस गया ना, ये कितने भी चार्जेस ले, अगर 200 भी चलो मान लेता हूँ 100 में बाई किया 200 बन गया तो 100% प्रॉफिट मिल गया, इसमें 50 रुपीज उसका टैक्स भी चला गया, सारे टैक्स कट करके 50 रुपये चल गया, उसके हाथ में आएगा 50 रुपीज, तो भी वो खुश हो जाएगा, तो भी वो खुश हो जाएगा, तो भी वो ट्रेड करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो सेबी ने जो सोचा था कि चलो टैक्स को ज़्यादा कर देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस को ज़्यादा कर देते हैं, जिसके चलते लोग कम ट्रेड करेंगे, हुआ कुछ उल्टा, ऐसे होने वाले थे। क्योंकि देखिए कोई भी टैक्स ज़्यादा करने में, मान के चलिए आप कोई भी एक व्यक्ति सिगरेट पीती है, तो सिगरेट के प्राइस पहले 5 रुपये था, आज चलो मान के चलिए 10 रुपये हो गया, क्या वो सिगरेट पीना बंद कर देंगे? क्या वो सिगरेट कम कर दिया? बिल्कुल नहीं, इनिशियल कम हो सकते हैं, बाद में नहीं। तो इस चीज़ों को तो समझना पड़ेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का FNO के ऊपर जो रेवेन्यूस आ रहा है, FNO के ऊपर जो कंपनी ज़्यादा मार्केट कैप लेकर रखा है, तो क्या कंपनी के ऊपर दिक्कत आ सकते हैं अगर FNO बंद हो जाए? तो FNO बंद नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा टैक्स मिल रहा है वो क्यों बंद करेगा? ये तो सिर्फ न्यूज़ में कभी कभी आपको सारी चीज़ देखने को मिलता है, ये सब कुछ खेल है। गवर्नमेंट को अगर बंद करना ही था तो वो टैक्स को ही बंद कर देते, तो वो तो खुद टैक्स को भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बढ़ा दिया, उसके साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बढ़ा दिया, और उसके साथ साथ GST भी, और भी कितने सारे टैक्स, मतलब गवर्नमेंट ये सोचकर मार्केट में आ चुके हैं कि पूरा का पूरा पैसा मार्केट से ही मुझे उठाना है। तो हाँ मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं और इतने रिसर्च करने के बाद खुद के पैसा लगाकर इतना रिस्क लेते हैं, और मतलब 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ उनमें से 30% चार्जेस ही चला गया, तो बचे का क्या, 70 रुपीज़। तो इस बात को मुझे बहुत बेकार लगा। तो आपके की आपको भी क्या सही इस तरीके से बात को बेकार लगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक सर ने मुझे कमेंट्स किया था, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, सर माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा लेट में वीडियो लेके आया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, और ट्रेडिंग्स भी नहीं है। हाँ मुझे कुछ पैटर्न्स देखने को मिला, वो दिखाने से पहले कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। पहली बात देखिए कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, इतने छोटे स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की तो हो ही जाते हैं। दूसरी बात मैं अगर इस कंपनी का पी रेशियो को देखूँ तो देखिए पी रेशियो किस लेवल तक भाग चुके हैं, एक इसका एवरेज पी रेशियो निकल गया 71 और कंपनी का करंट पी रेशियो 180 के आसपास, मतलब दुगना से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे वैल्यूएशन तो बहुत हाई है। दूसरी बात कंपनी के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं सेल्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट इस बार नेगेटिव में चला गया। अभी नेगेटिव में क्यों गया उसके पीछे एक बार रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी का सेल्स तो वीक हुआ, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और इसी एक एक्सपेंस के कारण कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो भी कम हो गया। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमेशा कंपनी के ऊपर यहाँ पे जून क्वार्टर में ही सेल्स और प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे पहले तो ठीक है, उससे पहले तो ठीक है, उससे पहले तो ठीक है। इसके पीछे रीजन समझने के लिए आपको कंपनीज के ऊपर
कंपनीज का बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखिए, जो एबलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, तो इस कंपनी एक प्रोडक्शन कंपनी है और कंपनी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देते हैं। तो देखिए, इस क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो जून क्वार्टर में हमेशा प्रॉफिट कम होने के पीछे एक ही रीज़न है कि एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, जो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले बार 62% था मेटेरियल कॉस्ट, इस बार मेटेरियल कॉस्ट कितना हुआ, 63.7%। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना था, 21% था, वो बढ़ के कितना हो गया, 23%। मतलब कॉस्टिंग ज़्यादा हो गया और इस कॉस्टिंग ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक मतलब प्रेशराइज है, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इतने सारे चीज़ कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत दे सकते हैं। हम मान लेता हूँ कुछ कर्जा कंपनी ने काम किया, कितना कर्जा है वो देख लेते हैं। कर्जा चलो मिनिमम है, चलो ठीक है, कर्जा तो कंपनी मेंटेन्स किया, मगर प्रॉफिट को देखेंगे तो देखिए लास्ट 12 मंथ में सेल्स डाउन एंड प्रॉफिट डाउन, और बुरी तरीके से डाउन। तो ये कंपनी के लिए एक झटका तो लगेगा और यही कारण के वजह से कंपनी के शेयर में कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, जब लिस्टिंग हुआ तो उसके बाद बिग बाउंस किया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ। और आपको एक बार मैं वीडियो बना के भी शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, जिस लेवल को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी करने का कोशिश किया, यहाँ पे भी करने का कोशिश किया और फाइनली यहाँ पे भी किया, और बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। और तो इसका मतलब यहाँ पे एक रेंज गेट हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बना है। इस रेंज को ध्यान रखना, इस रेंज के अंदर जब तक कंपनी होल्ड करे तब तक सोचना कंपनी कोई भी दिशा में नहीं जाएगा। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो ऊपर जाने का चांसेस है, अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन करे तो एक नीचे आने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर, मेरा तो कोई पोजीशन नहीं है और मैं इस कंपनी के ऊपर पोजीशन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे अभी भी कुछ वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कंपनी के एफएस के पास होल्डिंग्स ऑब्वियसली कम हुआ है, मगर उल्टा यहाँ पे डीएस के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि डीएस के पास 16% होल्डिंग था, वो 23% बन चुके हैं। अब अगर डीएस के डेटा को देखें तो किसने माल उठाया, देखिए निपोन लाइफ इंडिया ने माल उठाया, साथ ही साथ एचडीएफसी ने उठाया, मीरा एसेट ने उठाया, तो बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे माल उठा रहा है, तो कंपनी में दम है। हाँ, फिलहाल के लिए वैल्यूएशन हाई है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनीज के ऊपर इस रेंज को याद रखना, इस रेंज में कोई भी साइट को अगर ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। और यहाँ पे पिक लेवल, इसका जो टॉप लेवल है, इस लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा 730 रुपीज़ के आसपास। तो इसके लिए आपको पेशेंस और इंतजार करना पड़ेगा, बाकी एक बार आपके हिसाब से भी रिसर्च करके देखिए और उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट एंड बोनस के अनाउंसमेंट आने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी को स्प्लिट बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।